भुखमरी या कुपोषण से होने वाली मौत को रोकने के लिए सामुदायिक रसोई चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सामुदायिक रसोई पर एक मॉडल प्लान तैयार करने को कहा है। भुखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टियां चुनाव में कई चीजें मुफ्त बांटने की घोषणा करती हैं, पर मजबूरों की भूख शांत करने पर ध्यान नहीं देती हैं। कोर्ट ने राज्यों से इस मामले में 2 हफ्ते में आंकड़े मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सामुदायिक रसोई चलाए जाने पर एक मॉडल प्लान तैयार करें और राज्य सरकारें इस पर सुझाव दे सकती हैं। यही नहीं, इसके साथ कुपोषण और उससे जुड़े अन्य मसलों पर डाटा दे सकती है। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि भुखमरी से मौत के क्या आंकड़े हैं। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्चे की मौत भुखमरी से हुई। सीजेआई ने कहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के अलावा कुपोषण भी मौत का कारण है। सीजेआई ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई नई सर्वे रिपोर्ट हो जिसमें भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में कुछ डेटा हो तो वो हमें दे। सीजेआई ने कहा इस मामले पर कई राज्यों का कहना है कि वो सामुदायिक रसोई चला रहे हैं। कुछ राज्यों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की है। राज्यों का कहना है कि अगर इसको लागू करना है तो केंद्र सरकार इसके लिए हमें कुछ धन मुहैया कराए। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि इसके लिए आपके पास जो भी योजना और धन हो उसका कुछ हिस्सा राज्यों को आवंटित करें तो राज्य इसका ध्यान रखेंगे। वेणुगोपाल ने सहमति जताते हुए कहा फिर हम एक योजना बना सकते हैं जिसमें 2% अतिरिक्त खाद्यान्न राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि क्या 2% अतिरिक्त खाद्यान्न सभी राज्यों को स्वीकार्य है। कोर्ट में इस मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।